हे दोस्तों, आज हम आपको दुनिया भर में पाए जाने वाले 5 सबसे जहरीले सांपों के बारे में बताएंगे। विश्व में सांपों की 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 500 के करीब जहरीली होती हैं। हमने इन्हीं में से 5 प्रजातियों का चयन किया है। हालांकि इनको किसी क्रम में रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई प्रजातियों का जहर बहुत घातक है, लेकिन वो इंसानों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जबकि कई प्रजातियों का जहर इतना घातक नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी आक्रामकता से इंसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 1, समुद्री सांप बेल्चर सी स्नेक। सी स्नेक साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह सांप इस संसार का सबसे जहरीला सांप है। इसके जहर की कुछ बूंदे ही 1000 इंसानों की मौत के लिए पर्याप्त है। हालांकि यह सांप समुद्र में रहने के कारण इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है, केवल मछुआरे ही मछली पकड़ते वक्त कभी कभार इसका शिकार होते हैं। यह ज्यादातर मौकों पर इंसानों को काटने से बचता है। इसके इंसानों को काटने के बहुत ही कम केस अभी तक मिले हैं। नंबर 2, इंग्लैंड टाइपन। यह सांप जमीन पर पाए जाने वाले सांपों में सबसे जहरीला है। इसकी एक बाइट में 100 मिलीग्राम तक जहर होता है, जो आराम से 100 इंसानों की मौत की नींद सिलवा सकता है। इनका जहर रेटल स्नेक की तुलना में 10 गुना और कोबरा की तुलना में 50 गुना ज्यादा घातक होता है। यह सांप आबादी से दूर रहना पसंद करता है, इसलिए इंसानों से इसका आमना सामना बहुत कम होता है, और यदि हो भी जाए तो ये वहां से बच निकलने की कोशिश करता है। दोस्तों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इस सांप के द्वारा इंसानों के काटने का आज तक कोई भी मामला रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए इसे संत सांप की भी उपाधि दी जाती है। नंबर 3, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले यह सांप बहुत ही जहरीला होता है। दोस्तों, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके जहर का सिर्फ 14,000वां हिस्सा ही किसी इंसान को खत्म करने के लिए काफी है। उससे भी खराब बात तो यह है, यह ऑस्ट्रेलिया में इंसानी इलाकों के पास ज्यादा पाया जाता है। इस सांप का एक छोटा सा बच्चा भी किसी इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। इनकी चाल बेहद तेज होती है और एक बार खतरा महसूस होने पर ये पीछा करके काटते हैं। इस सांप के काटने के बाद आंखों के आगे अंधेरा छाना, बहुत तेज दर्द, बहुत ज्यादा खून बहना जैसी शिकायतें मरीज बार बार करता है। इसके काटने के सिर्फ 5 मिनट के भीतर ही इंसान खत्म हो जाता है। यह सांप केवल मूवमेंट पर ही प्रतिक्रिया करता है। दोस्तों, इसीलिए कभी इसी सांप से आपका सामना हो तो बिल्कुल स्थिर रहना ही सबसे बढ़िया उपाय है। नंबर 4, रेटल स्नेक। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे जहरीला सांप है। यह सांप अपनी पूंछ के आखिरी सिरे पर बने छल्लों के कारण आसानी से पहचाना जाता है। जब यह सांप अपनी पूंछ को हिलाता है तो ये छल्ले झुनझुने की तरह आवाज करते हैं। इसीलिए इसका नाम रेटल स्नेक पड़ा है। यह सांप अपनी कुल लंबाई के 2/3 हिस्से तक वार कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा है। यह सांप बहुत ही गुस्सेल होता है। इस सांप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके बच्चे बड़ों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि बच्चों में बड़ों से ज्यादा जहर होता है। बड़े होने के साथ जहर थोड़ा कम हो जाता है। इसके शरीर में हेमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। इस सांप के काटने के बाद 10-15 मिनट के भीतर ही एंटीडोट दे दी जाए तो बचने के कुछ चांस होते हैं, अन्यथा मौत आनी निश्चित ही है। नंबर 5, डेथ एडर। डेथ एडर सांप ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुयाना में पाया जाता है। यह सांप घात लगाकर दूसरे सांपों का शिकार करके खा जाता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है। यह एक बार में 100 mg तक जहर शिकार के शरीर में छोड़ सकता है। हालांकि यह बहुत विषैला है, फिर भी यह इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसके विष का शरीर पर असर बहुत धीरे होता है। इसके विष का पूरी तरह असर होने में लगभग 6 घंटे तक लग जाते हैं।
इसलिए एंटीविनोम इसके इलाज में काफी कारगर है। हालांकि एंटीविनोम की खोज से पहले इतना धीरे असर होने के बावजूद मरने वालों की संख्या 50% तक थी। इसकी एक और विशेषता जो कि इसको घातक बनाती है और वह है 13 सेकंड के भीतर दोबारा वार करने की क्षमता।